कौन? ये वाला रास्ता, ये इधर के ब्रो। ऊपर क्या है? कुछ नहीं ऊपर, ऐसा वैसे ही बना रखा रास्ता ना, रोड है ये यहाँ नहीं, वो एक दो मकान है ऊपर ना, उन्होंने पर्सनल बनवा रखा रास्ता अपने लिए। यहाँ के लिए किसी ने अपने पर्सनल रास्ता निकला रखा अपने घरों के लिए, लेकिन एक नंबर है। मतलब क्या हुआ? बहुत सही करा यहाँ पे लाके, गाड़ी तो चेक हो गई गाड़ी, अभी तो टू व्हील ड्राइव है भाई, बहुत कहते वाले। कोई बढ़िया सी लोकेशन देखते हैं चाय वाय बनाने के लिए। वो भाई रास्ता देख रहे हो आप कितना खतरनाक है सामने। मिल गया, चलो सही है। ऊपर यहाँ बांस के पेड़ है। अच्छा, ये बांस के पेड़ जो बता रहा था उसके पास में फ्लैट है, बिल्कुल वहाँ पे लगा। चलो सही है। छाँव में लगा दो, छाँव में। एक परफेक्ट लोकेशन बनाने के लिए परफेक्ट जगह पे गाड़ी को खड़ी करा जा रहा है, माहौल सही बन जाए, क्योंकि तो अपन यहाँ बनाने वाले हैं चाय। भले ही धूप में खड़ा होना पड़े लेकिन एंगल परफेक्ट चाहिए भाई अपन को। तो ये अपना सेटअप कर लिया हमने पूरा। ये देखो भाई, धूप पड़ रही है, कोई बात नहीं, हवा ठंडी है, डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो गर्मी लग रही है, अदरवाइज अगर हम इस ओनिंग की छाँव में बैठेंगे ना तो यहाँ पे हवा लगेगी ठंडी और गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो ये सुकून आ रहा है यहाँ बैठ। हाँ, सुकून है। और ये सब कुछ मैं बताऊँ तो ये ओनिंग हैंडमेड है, और डिज़ाइन जो भी कराया ओनिंग का बाबा भाई ने कराया, अरशद भाई ने, और पूरा अपना दिमाग लगा के जो भी इन्होंने दिमाग लगाया, खुराफाती। ठीक है, एक और है, वो मेरा डिजाइन है, वो दिखाएंगे बाद में। अच्छा, एक और बना रखी है, ओनिंग नहीं, भट्टी। भट्टी, हाँ, वो तो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। एक चीज है, एक ऐसी अनोखी चीज है जो कि बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ कि खुद डिजाइन करने वाली बात जो होती है ना, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और ये अपना सारा सामान है, सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग से रिलेटेड सामान है सारा, एक एक करके जब निकालेंगे दिखाएंगे। फिलहाल अपनी चाय बन रही है क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है, और रात में बस थोड़ा सा खाना खाया था, और दिन निकलने के बाद कोई चाय नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं, तो खुद ही चाय बना रहे हैं ये पूरा सेटअप के साथ। दो अपने पास कप पड़े हुए हैं और ये माचिस है इसको जलाने के लिए। भाई ऐसे जैसे तैसे करके जो है अपनी चाय बन चुकी है, तो चाय देखते हैं भैया कैसी बनी है। लेकिन अरशद भाई, मतलब ये जो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं ले पाता ऐसा। क्यों भाई? मतलब ये सब चीज ना, ये इंतजाम, मतलब मैं इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सोचा है लेकिन खरीद के सोचा है। खुद बनाने वाली बात अलग होती है, खुद ही डिजाइन करना, लेकिन ये सब मतलब बहुत सही है। भाग ऐसे ही मजे करेंगे। सही है, सही है, बढ़िया। और हम तो प्लेन्स पे, तो मेरे ख्याल में अभी हम कितना किलोमीटर चले होंगे, 600 किलोमीटर चले होंगे, कम 400 प्लेन्स ना, ओवरऑल टोटल 450। हाँ, 450, तो उसमें से मोस्टली तुम प्लेन्स पे ही चले। हाँ, 250 किलोमीटर हम प्लेन्स पे चले। रोड ऐसा है कि मतलब मनाली आने में मजा आ जाएगा, जो पहले दिल टूटता था कि यार मनाली कौन जाए, मन ही नहीं करता था, मतलब ऐसा करता था कि या तो सोते सोते निकल जाए वो टाइम में सफर, और अचानक से बस पहाड़ पे आ जाए। बाकी रोड वोड अच्छा था भाई, और अच्छा रोड बन गया। अगे भी अब यहाँ पे ये रास्ता दिख गया था, वो मैं बताया था आपको, ऊपर आ गए, चाय बनाई अभी यहाँ सुकून से, क्योंकि हम कल रात से ही ड्राइव कर रहे हैं यार। आज अपने पास है भाई थार, अभी है ना इतना जबरदस्त अप हिल चढ़ेगा, अभी 360 के शॉट देखना, जब हम नीचे जाएंगे तो देखना आपकी कितना अप हिल है। अब यार कैमरे में ना वो चीज जस्टिस नहीं होती कि अप हिल हम कितना है, बाकी पता है हमको, शुरू में लग रहा था कि यार 4x4 पे चढ़ेगी। मैं लिटरली जब देखा था ना अरशद भाई तुमने कि वो किस यहाँ चले, तो दो बात आई थी, हाँ या ना, ठीक है ऐसे करके, क्योंकि हाँ का मतलब 4x4। रोड को देख के ऐसा लग रहा था कि 4x4 लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ तक नहीं लगा, नहीं लगा। और गाड़ी इतने स्मूथली आई है ऊपर, बहुत प्यार से। उधर पीछे की तरफ कहीं हमको जाना है, कौन सी जगह, परासर लेक, तो भाई वहां की फिर नाइट कैंपिंग करेंगे। बने रहो आप वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।
देख लेना याद से। हाँ याद से। तो भाई अभी मैं उधर गया था थोड़ा सा पीछे देखने के लिए क्या है उधर, थोड़ा सा मेरे को जगह दिखी थी, खाली सी जगह पड़ी हुई है। मैंने लगा रखा था हेयर बैंड, वापस आया मैं तो मैं सोचा हेयर बैंड कहाँ गया, कि हेयर बैंड ढूंढने लगा, मेरा सर लगा था यहाँ पे। हाँ ये रहा ना, ये टंगा पड़ा, मेरा सर लगा था यहाँ पे इन झाड़ियों पे और इस कांटे के अंदर फंस गया है, और मुझे पता ही नहीं चला कि हेयर बैंड मेरे सर से निकला कब। भाई बहुत भाई तो बहुत गंदा फंसा हुआ है। तो भाई चाय के बाद हमने सोचा कि भूख तो और बढ़ गई है, तो ये अपना हाफ फ्राई ऑमलेट बन रहा है, हाफ फ्राई अगर हमारे बना रहे हैं अर्शद भाई, मज़ेदार। और अब इन्होंने बनाया था, हाँ मैं बना के खा चुका भाई, बना के खा चुका है, मैं तो टहलने गया था, एक नंबर बन गया था। अरे भाई मतलब माहौल जैसा माहौल है ना, ये माहौल मांग रहा था ये। अच्छा हाँ, ये चाहिए इस माहौल में। थोड़ा सा बदलने का इसका टास्क है, क्योंकि इसकी किनारी थोड़ी ऊंची है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बदलना थोड़ा सा टास्क हो जाता है। लो जी भाई रेडी, अपना ब्रेड ऑमलेट तैयार है हिमाचल के अंदर। और वो भी पता नहीं कितनी हाइट के अंदर। हाइट तो पता ही नहीं, जगह ही नहीं पता कौन सी है, नहीं पता कौन सी अपना है। खुद डिस्कवर करी, ये तो हम बोल सकते हैं कि हमने डिस्कवर करी है ये जगह। हाँ। मतलब ऐसे नहीं यूट्यूब पे किसी का देख लिया और आ गए। हाजी कैसा लगा दूसरी बार बना के भाई? एक नंबर। मैं तीसरे की सोचोगे तो फिर शाम का स्नैक्स नहीं बन पाएगा अपना, क्योंकि फिर भूख नहीं लगेगी ना। ये जो लोग आप घर में बैठ के देख रहे हो भाई, किचन में बना रहे हो खाना, जो मजा इधर है ना वो उधर नहीं है घर पे, बिलीव मी बिल्कुल भी मजा नहीं है घर पे। और एक चीज और है, पता है इतनी तेज धूप है ना, बहुत तेज धूप है ना, और छाई में बैठ के इतना सुकून है क्योंकि हवा ठंडी है। हाँ हवा ठंडी है, पहाड़ों का यही है कि जब तक धूप है तो गर्मी है, लेकिन अगर आप छाव में या पेड़ की छाव में या फिर आप ऐसे कुछ सेटअप करते हो ऑनिंग वगैरह लगा के, तो यहाँ पे हवा ठंडी रहती है। सुबह ही हमारा ब्रंच हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट लंच वगैरह हमने सोचा ये यहीं कर लेते हैं जो है, क्योंकि इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं इतना ऑफ रोडिंग करके, तो यहीं निपटा दिया हमने ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। अब सीधा अपने चलते हैं लोकेशन में, पराशर लेक, वो थोड़ा सा और हाइट पर है और वहाँ पे टेम्परेचर और सही होगा, तो सारा सामान समेटते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही सामान निकाला है, ये 10-15 मिनट का खेल है, सब एकदम सेट हो जाएगा। सारा सेटअप हमने कर लिया, सारा सामान होगा भाई, कुछ भी गंदगी नहीं छोड़ी, आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा का सारा कूड़ा इसके अंदर है। ये अपनी जिम्मेदारी होती है भाई, अगर आप कहीं कुछ कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो खासकर प्लास्टिक का आइटम नहीं रहना चाहिए, खासकर आलू प्याज के छिलके तो चलेंगे लेकिन फिर भी उठा लो, लेकिन प्लास्टिक आइटम ऐसा ना जैसे डिकम्पोज नहीं होता है, तो सब उठा लिया है। तो चलो भाई निकला जाए अर्शद भाई, और जैसा कि बताया था कि अभी 360 शॉट लेंगे भाई इससे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो इसमें थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा।